मैं प्रशांत राव आज बीएससी सेकंड ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए जिम्नोस्पर्म के जो विविधता वाले जो अध्याय है उसके संदर्भ में हम उसके विकास के संदर्भ में चर्चा करेंगे और हम विशेष तौर पर उसके जो जननांगों के विकास के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि हमने जो बीजाणुधानियाँ और शंकु हैं उनके विकास के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम जो जिम्नोस्पर्म के बीजांड के बारे के विकास के संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, बीजांड से संबंधित क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है। जिम्नोस्पर्म के विकास में बीजांड के विकास का बहुत बड़ा जो रोल है उससे हमें उसके जो विकासात्मक चरणों की विविध विस्तार से हमें जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ बीजांड की, जिम्नोस्पर्म के विकास में बीजांड में भारी परिवर्तन देखने को मिले हैं। जैसे प्राचीन पादपों में बीजांड में एक आवरण पाया जाता था, जबकि नए पादप हैं उनमें आवरणों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्राचीन पादपों में बीजांड के भीतर अधिक सघन गूदेदार परत पाई जाती थी, जबकि नवीन पादपों में ये परत कम विकसित है। इसी प्रकार प्राचीन जिम्नोस्पर्म पादपों में क्यूप्यूल नामक संरचना पाई जाती थी, जबकि नवीनतम पादपों में क्यूप्यूल में बीजांडधर शल्क पाए जाते हैं। प्राचीन पादपों में एक क्यूप्यूल में अनेक बीजांड थे, जबकि वर्तमान में एक बीजांडधर शल्क में एक बीजांड है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो डेवलपमेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म के दौरान जो ये हुआ है, इनके बारे में आपको ज़रूर पूछा जा सकता है प्रश्न, और आप इनके बारे में इसी प्रकार से लिखिएगा। मैंने इसका PDF पहले भी आप लोगों को शेयर किया हुआ है, तो PDF को और देख लीजिएगा। प्राचीनतम पादपों में बीजांडधारी क्यूप्यूल सीधे तने पर लगे होते थे, जबकि नवीनतम पादपों में क्यूप्यूल लीफ के कक्ष में लगे होते हैं। और प्राचीनतम पादपों में बीजांड द्वार नहीं पाया जाता था, लेकिन नवीनतम पादपों में बीजांड द्वार माइक्रोपाइल्स पाया जाता है। बीजांड के शीर्ष पर लेजिनोस्टोमा नामक संरचना पाई जाती है, लेकिन नवीनतम जो सतह है उनमें कैपिटेट नामक संरचना पाई जाती है। ये कुछ एक करेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको बीजांड के विकास के बारे में आपको चर्चा करनी पड़ेगी। हम बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में कि प्राचीनतम पादपों में, जैसे कार्डेटेल्स हम लोगों को पता है, आपको बताया भी था, ये जिम्नोस्पर्म के पूर्वजों में से एक पादप है। तो प्राचीनतम पादपों में 4 या 5 बीजांड मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि प्रोथेलस कोशिका से विकसित होती हैं। ये थोड़ा PDF में राइटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। प्रोथेलस कोशिका से धीरे धीरे विकसित होती है। वर्तमान में प्रोथेलियस सेल्स अनुपस्थित होती है, केवल एक बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। यानी प्राचीन जो पादप थे उनमें प्रोथेलियस कोशिका पाई जाती थी, जबकि अभी बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है, एक बीजाणु मात्र कोशिका। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये नर युग्मकोद्भिद के विकास के संदर्भ में जो परिवर्तन देखने को मिले उनके बारे में चर्चा की गई है। बाकी जो नर युग्मकोद्भिद का विकास है उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, आज हम केवल उनके विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे पुमाणु के बारे में बात करें तो प्राचीन में कशाभयुक्त पुमाणु पाए जाते थे, अभी नए पादपों में कशाभ रहित पुमाणु पाए जाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। कशाभ का पाया जाना ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके जो प्रकीर्णन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है पुमाणु का। मादा युग्मकोद्भिद का विकास जो होता है, उसमें प्राचीन पादपों में मुक्त केंद्र की विभाजन की मदद से असंख्य केंद्रकों का विकास होता था और एक से अधिक स्त्रीधानियाँ बनती थी। वर्तमान में मुक्त केंद्र की विभाजन तो होता है किंतु स्त्रीधानी एक ही बनती है। नवीनतम पादप नीटेल्स में तो सुस्पष्ट स्त्रीधानी ही नहीं पाई जाती है। ये धीरे धीरे अभी भी विकास चल रहा है। अब आप देख लीजिए किस तरह से मतलब स्त्रीधानियों के विकास में परिवर्तन देखने को मिला है। भ्रूण के विकास के बारे में बात करें तो लगभग प्राचीनतम में जो भ्रूण थे अधिक संख्या में पाए जाते थे, नए पादपों में कम संख्या में भ्रूण पाए जाते हैं। कुल मिला के जो अगर हम इनके जननांगों के विकास के संदर्भ में चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि विकासात्मक चरणों को अगर हम एक प्लांट्स के नज़रिए से देखें तो फर्न से प्रोजिम्नोस्पर्म डेवलप हुए हैं, प्रोजिम्नोस्पर्म से एनिरोफाइटोम्स डेवलप हुए हैं और एनिरोफाइटोम से जिम्नोस्पोर्मोसिडा नामक पादप विकसित हुए हैं। आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम विकास के विभिन्न चरणों के बारे में अध्ययन विस्तार से चर्चा करेंगे।